हेलो एवरीवन, दिस इज सुब्रांत। वेलकम बैक टू माय चैनल सुब्रांत सुकुमार। ये मेरा उज्जैन दर्शन वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग गए थे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद हम लोग गए हरसिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, रामघाट, भूखी माता मंदिर और आखिर में हम लोग गए थे चिंतामण गणेश मंदिर। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकेंड पार्ट मतलब हमारा पहला दिन का इवनिंग में हम लोग वापस गए थे हरसिद्धि माता मंदिर में और उसके साथ में हम लोग गए थे और दो मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं, उज्जैन दर्शन करते हैं। उज्जैन का पहला दिन महाकालेश्वर का और उसके पास में और कुछ प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करते करते शाम हो गया था। मंदिरमय नगरी उज्जैन का दर्शन करने गए थे तो रुकना नहीं था हमें। फिर हम चल पड़े और कुछ मंदिर का दर्शन करने। होटल से निकल के हम गए भारत माता मंदिर। महाकाल मंदिर के पास में ही है, बहुत बड़ा एरिया में खूब ऊंचा मंदिर बनाया गया है। मंदिर के नीचे इंडिया मैप बनाया गया है, मैप के ऊपर हिमालय का चोटी दिखाई देता है। हिमालय का चोटी से पानी का धारा छूट रहा है जो पूरा मैप को बहुत ही सुंदर लुकआउट देता है। फिर मंदिर में गए तो दिल खुश हो गया। भारत माता का बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया गया है। ये देवी है भारत की, जिसको सारे हिंदुस्तान मतलब इंडिया या भारत के सारे भाई बहन पूजते हैं और भारत माता की जय घोष करते हैं। भारत माता मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग गए चार धाम मंदिर में। महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर दूर में है। भारत के जो चार धाम हैं, भारत के चार अलग अलग दिशा में हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ में तमिलनाडु के रामेश्वरम में है रामनाथ स्वामी मंदिर, नॉर्थ में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है बद्रीनाथ मंदिर, वेस्ट में गुजरात के द्वारका में है द्वारकाधीश मंदिर और आखिर में भारत के ईस्ट में उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ धाम मंदिर। कहा जाता है कि जो लोग चार धाम यात्रा नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ पुरी के जगन्नाथ धाम दर्शन कर ले तो उनका पूरा चार धाम यात्रा का पुण्य मिल जाता है। उज्जैन के इस चार धाम मंदिर में भारत के चार धाम के देवगणों को एक ही जगह में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। मंदिर के कंपाउंड के अंदर श्री कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं जिसको स्कल्पचर में दिखाया गया है। मंदिर के ऊपर वाला हिस्से में वैष्णो देवी गुफा बनाया गया है। हम लोग रात को गए थे सो अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, सो आपको वीडियो में भी थोड़ा अंधेरा लुक दिखेगा, बट अंदर जाने के बाद हम लोग को बहुत ही सुकून मिला।
चार धाम मंदिर में चार धाम का दर्शन हो गया और उसके साथ में वैष्णो देवी माता का भी दर्शन हो गया। मेरे पेरेंट्स को चार धाम का भी दर्शन करा लिया और उसके साथ में वैष्णो देवी माता का भी दर्शन करा लिया। वैष्णो देवी गुफा जो ऊपर बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। गुफा के अंदर बहुत सारे भगवान के मूर्ति को रखा गया है और सबसे ऊपर वाले हिस्से में वैष्णो देवी माता को रखा गया है। काफ़ी अच्छा बना है गुफा। आप जाएंगे तो ज़रूर जाइए वैष्णो देवी माता गुफा में, चार धाम के दर्शन कीजिए और वैष्णो देवी माता को भी दर्शन कीजिए। चार धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले भारत के और एक शक्तिपीठ में जिसका नाम है हरसिद्धि माता मंदिर। चार धाम मंदिर के पास में ही है और महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर दूर में है। हरसिद्धि माता मंदिर जो एक शक्तिपीठ है और माँ पार्वती का ही स्वरूप है। पूरा देश में कुल 51 शक्तिपीठ है, उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर उनमें से एक है। भारत में कई जगह में हरसिद्धि मंदिर है लेकिन उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। उज्जैन के आसपास कई देवियों का मंदिर है जो उज्जैन का पहरा देते हैं, उनमें से हरसिद्धि देवी भी है। माना जाता है कि देवी सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा था वहाँ एक एक शक्तिपीठ बना। उज्जैन में देवी सती का हाथ का कोहनी गिरा था सो यहाँ भी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ बन गया। आप सबने सम्राट विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा जो उज्जैन के राजा थे और माँ हरसिद्धि को पूछते थे। वो हर 12 साल बाद अपने सिर का चढ़ावा देते थे माँ को। माता प्रसन्न होते थे और उनका सर वापस आ जाता था। ऐसे 11 बार हुआ था। 12वीं बार में सम्राट विक्रमादित्य अपना सर चढ़ावा देने के बाद में उनका सिर वापस नहीं आया था। मंदिर में एक जगह है जहाँ कुछ सिर और सिंदूर चढ़ा के दिखाया गया है। वैसे यहाँ बलि का प्रथा है नहीं। उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे टुवर्ड्स वेस्ट में है। दोनों मंदिर के बीच में रुद्र सागर तालाब है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवार बनाया गया है। चारों दिशा में चार दरवाजा बनाया हुआ है, उनमें से मेन एंट्रेंस गेट वेस्ट साइड में है। मंदिर के कंपाउंड के अंदर एक बावड़ी है, माना जाता है कि वो 10वीं शताब्दी में बना हुआ है। गर्भगृह में माँ श्रीयंत्र पर विराजमान है। सभा मंडप के ऊपर की ओर श्री यंत्र बनाया गया है। इस यंत्र के साथ देश के 51 शक्तिपीठ के देवियों को ड्रॉ किया गया है। मंदिर में हरसिद्धि माता के साथ महालक्ष्मी और महासरस्वती भी है। हरसिद्धि माता मंदिर के सामने दो बड़े बड़े दीप स्तंभ है। दीप लगाने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। माना जाता है कि ये दो दीप स्तंभ नर और नारी का स्वरूप है। राइट साइड वाला बड़े हैं और लेफ्ट साइड वाला छोटा है। कुछ लोग इसको शिव और शक्ति का स्वरूप भी मानते हैं। दोनों दीप स्तंभ पर 1100 दिया है जिसको जलाने में 60 किलो तेल लग जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर घूमने में काफ़ी मज़ा आया। उज्जैन का पहला दिन का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। उज्जैन का पहला दिन का सफ़र को हम यहाँ ख़त्म करते हैं।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ उज्जैन ट्रिप वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।